विल स्मिथ, जिन्हें आज हम हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के तौर पर जानते हैं, वो एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड एक्टर हैं। ये बात तो सभी जानते हैं, पर जो बात कई लोग नहीं जानते होंगे वो ये है कि असल में विल स्मिथ ने अपने करियर की शुरुआत एक रैपर के तौर पर करी थी और एक रैप स्टार के तौर पर उन्हें काफ़ी सफलता भी हासिल हुई थी। और अपने रैप करियर को सफल बनाने के बाद ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि विल स्मिथ के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें अपने करियर स्विच करने पड़े, और आखिर इतना लेट डिसाइड करने के बावजूद भी वो हॉलीवुड में इतने सफल कैसे हो सके। तो विल स्मिथ के नाम से प्रसिद्ध विलियम कैरल स्मिथ जूनियर का जन्म 25 सितंबर 1968 को यूनाइटेड स्टेट्स के पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में हुआ था। इनके पिता विलर्ड स्मिथ सीनियर यूएस आर्मी में सर्व किया करते थे। इसके अलावा वो एक रेफ्रिजरेशन इंजीनियर भी थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ फिलाडेल्फिया स्कूल बोर्ड में कार्यरत एक स्कूल एडमिन थी। जन्म के बाद स्मिथ का पालन पोषण नॉर्थ वेस्ट फिलाडेल्फिया में मौजूद जर्मन टाउन में हुआ, जहां वो एक बैप्टिस्ट के संरक्षण में रहते थे और उन्होंने आर लेडी ऑफ लॉर्ड्स नाम के एक प्राइवेट कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल को ज्वाइन किया था। अपने माता पिता से अलग रहने के पीछे की एक संभावित वजह ये थी कि उनके पेरेंट्स के बीच का रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं था, और दुर्भाग्य की बात यह है कि विल स्मिथ उस वक्त सिर्फ 13 साल के थे जब उनके माता पिता एक दूसरे से अलग रहने लगे थे। आर लेडी ऑफ लॉर्ड्स के बाद स्मिथ ने ओवरब्रूक हाई स्कूल को ज्वाइन किया, जो एक सेकेंडरी स्कूल था। लेकिन इसी क्रम में विल स्मिथ ने यह डिसाइड कर लिया था कि उन्हें आगे चलकर रैपिंग करनी है, जिसकी वजह से उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम को भी ठुकरा दिया था। स्कूल में स्मिथ के मनमोहक और शरारती व्यवहार के कारण उनका निकनेम प्रिंस रखा गया था, और इनके निकनेम को ही आज फ्रेश प्रिंस के नाम से पॉपुलैरिटी मिली हुई है। अब क्योंकि स्मिथ ने रैपिंग करने का फैसला कर ही लिया था, तो अपने हाई स्कूल के दिनों से ही उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी थी। 1980 के दशक में जेफरी एलन टाउन्स और विल स्मिथ की शानदार जोड़ी खूब हिट हुई, और इनके इस डुओ को डीजे जैजी जेफ और फ्रेश प्रिंस के नाम से खूब प्रसिद्धि भी मिली, विशेषकर साल 1987 में जब उन्होंने अपनी डेब्यू एल्बम रॉक द हाउस के डेब्यू ट्रैक को रिलीज किया था। अपने काम के जरिए उन्होंने लोगों की नजरों में अपनी एक उच्च दर्जे वाले आर्टिस्ट की इमेज बना ली थी, और अपनी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें और उनकी टीम को ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट रैप परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया था। फिर 1989 में इन्होंने पेरेंट्स जस्ट डोंट अंडरस्टैंड नाम का एक गाना रिलीज किया, जो काफी हिट रहा, लेकिन वास्तव में समर टाइम के टाइटल वाले सिंगल ने इन्हें अच्छे स्तर पर पॉपुलैरिटी दिलाई। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिलबोर्ड हॉट 100 में ये गाना 4th पोजीशन पर था। ये 1988 के आसपास का समय था जब विल स्मिथ ने खूब अय्याशी करी और अपने खूब पैसे भी उड़ाए, जिसकी वजह से 1990 के आसपास आते आते उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ा। साल 1989 में जब उनकी तीसरी एल्बम एंड इन दिस कॉर्नर रिलीज हुई, तो उस समय विल स्मिथ अपने टैक्स ना भरने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स में भी घिरे हुए थे। विल स्मिथ को एक हिप हॉप सिंगर के तौर पर काफ़ी नाम और शोहरत हासिल हुई, उन्हें उनके टैलेंट के लिए ग्रैमी अवार्ड भी मिला, लेकिन उन्होंने अपना ये कमाया हुआ पैसा यूं ही मस्ती में खर्च कर दिया, और जल्दी ही इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें $2.8 मिलियन टैक्स भरने के लिए भी कहा, जिसके चलते विल के घर की सारी कीमती चीज़ें जब्त कर ली गई। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अब तक जितने भी पैसे कमाए थे उन्होंने वो सभी टैक्सेस में गवा दिए। इसी क्रम में उन्हें अरेस्ट भी किया गया, क्योंकि स्मिथ के ऊपर उनकी रिकॉर्ड प्रमोटर विलियम हेंड्रिक्स ने अलेज्ड असॉल्ट का आरोप लगाया था। खैर, इस केस का फाइनल रिजल्ट विल स्मिथ के हित में आया और उनके ऊपर लगे सभी एलिगेशंस को डिसमिस कर दिया गया। फाइनेंशियली स्ट्रगल करने के कुछ समय बाद ही स्मिथ को ये एहसास हो गया था कि अब उन्हें अपने काम पर फोकस करना होगा, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन टेलीविजन ब्रॉडकास्टर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी कि NBC के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और फिर द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर नाम की एक सीरीज बनाई जो विल स्मिथ की लाइफ के ऊपर आधारित थी। और सौभाग्य से उनके ऊपर बनाई गई ये सीरीज सुपरहिट रही, जिसके बाद विल स्मिथ ने उसे मोटिवेशन लेकर ये गोल सेट किया कि अब वो द बिगेस्ट मूवी स्टार इन द वर्ल्ड बनेंगे। दुनिया में बहुत कम लोगों को अपनी जिंदगी में दूसरा मौका मिलता है, और विल स्मिथ अपने इस दूसरे मौके की अहमियत को समझते थे। उन्होंने रैप करियर में सफल होने के बाद फिर से जीरो से स्टार्ट किया और एक नई इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने बॉक्स ऑफिस के सक्सेसफुल केसेस को भी पढ़ना शुरू कर दिया, और अपनी इसी नॉलेज और मोटिवेशन के साथ उन्होंने 6 degrees of separation में काम किया। लेकिन फिल्मों की दुनिया में उन्हें वास्तविक सफलता 1995 में मिली, जब उनकी फिल्म बैड बॉयज ने वर्ल्ड वाइड धमाल मचा दिया। उसके बाद विल स्मिथ ने 1996 में एक एक्शन फिल्म इंडिपेंडेंस डे में काम किया। फिर 1997 में मैन इन ब्लैक में भी उन्हें काम करने का मौका मिला, और इनकी ये साइंस फिक्शन फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि इसकी 54 मिलियन टिकट्स तो सिर्फ USA में ही बिक गई थी। और मैन इन ब्लैक की इस पॉपुलैरिटी का फायदा विल स्मिथ के म्यूजिक करियर को भी हुआ, क्योंकि इस फिल्म का थीम सॉन्ग विल स्मिथ के द्वारा ही कंपोज किया गया था, और निश्चित ही ये एक शानदार मूव था जिसके थ्रू विल स्मिथ ने अपने म्यूजिक करियर को रिवाइव करना शुरू किया। सॉन्ग्स के अलावा उन्होंने वापस अपने फिल्मी करियर पर ध्यान दिया और एनिमी ऑफ द स्टेट, अली, मैन इन ब्लैक 2, बैड बॉयज 2, हैंकॉक, आफ्टर अर्थ
और सुसाइड स्क्वाड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जिनकी बदौलत विल स्मिथ पूरी दुनिया में एक हाउसहोल्ड नेम बन गए। कमाल की बात यह है कि आज भी विल स्मिथ के अंदर अपने काम को लेकर वही युवाओं वाला जोश है और अपनी आर्टिस्टिक जर्नी को डिस्कवर करते रहते हैं। विल स्मिथ को 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 2 एकेडमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। वहीं उन्होंने 4 ग्रैमी अवार्ड्स भी जीते हैं, जो वास्तव में किसी भी म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा सपना होता है। वहीं अगर हम बात करें विल स्मिथ की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो शेरी जैम्पिनो से उन्होंने साल 1992 में शादी करी थी और उन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया विलर्ड कैरल ट्रे स्मिथ। दुर्भाग्यवश स्मिथ और जैम्पिनो की यह शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और 1995 में ही इन दोनों का डाइवोर्स हो गया। फिर उसके 2 साल बाद यानी कि साल 1997 में विल स्मिथ ने दूसरी शादी करी और इनकी सेकेंड वाइफ का नाम है जेडा कॉरन स्मिथ, जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस, स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर है। जेडा कॉरन के साथ अभी विल स्मिथ के 2 बच्चे हैं, पहले जेडन स्मिथ जो अपने पिता की तरह ही एक एक्टर और रैपर हैं, वहीं उनकी बेटी विलो कैमिली स्मिथ एक सिंगर, डांसर और एक्ट्रेस है। वहीं अगर हम बात करें विल स्मिथ के बिलीव्स के बारे में, तो अपने रिलीजियस बिलीव्स के अलावा वो हिंदू स्पिरिचुअलिटी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में भी काफी विश्वास रखते हैं, और इसी भारतीय संस्कृति को हमें भी जानने की जरूरत है, जिससे विदेशी भी इंस्पायर होते हैं। एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते विल स्मिथ पॉलिटिकली भी काफी एक्टिव रहते हैं। खैर, पॉलिटिक्स के अलावा वो चैरिटीज में भी अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा डोनेट करते हैं। तो दोस्तों, यही थी कहानी अमेरिकन एक्टर और रैपर विल स्मिथ की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।